वालेकुम, आज मैं आपको बताऊंगी बाजुओं को कमीज़ के साथ किस तरह से अटैच किया जाता है। तो ये पहले से कटे हुए बाजू हैं, इनको सबसे पहले अटैच करने से पहले हमें यहाँ पर सिलाई लगानी होगी, डबल सिलाई फॉर मोर सिक्योरिटी। और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। बाजू को सिलाई लगाने से पहले पहले मैंने एक बाजू पे सिलाई लगा ली हुई है, तो वहीं उसको दूसरे के ऊपर रखकर देखेंगे कहाँ तक वो सिलाई आई है, और वहीं से उसकी स्टार्ट करेंगे ताकि एक छोटा और एक बड़ा ना हो। तो ये यहाँ तक होगा, यहाँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और यहाँ पर इसका एंडिंग पॉइंट, और इसी लाइन में उसकी सिलाई आएगी। बाजू को कमीज़ के साथ अटैच करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आप फिटिंग की सिलाई अगर आपने पहले से ना लगाई हो, जिस तरह के ये वाली मैंने पहले से लगाई हुई है, तो उसका एक वो पहले हम लगाते हैं बाजू, लेकिन इसमें मैंने पहले से लगा ली हुई है तो इसके लिए बाजू भी ये तैयार है। और इनको पहले हम सीधा करेंगे इस तरह से। बाजुओं को अटैच करने के लिए जिन चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना होगा, उनमें से एक चीज़ तो ये है कि जो बड़ी औरतें होती हैं उनकी एक साइड की बाजुओं की कटाई जो होती है वो थोड़ी गहरी हमने करनी होती है, उसकी कटिंग यहाँ से थोड़ी डीप होती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स मेरी बाजुओं की इक्वल हैं, क्योंकि ये मैंने बड़ी औरत की नहीं बनाई बच्ची की है कमीज़, तो इसलिए इसी तरह होगी और इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी गहरी है। और जो साइड गहरी होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये ऊपर वाली गहरी है, तो इसको हमें कमीज़ की आगे वाली साइड पर ही अटैच करना होगा, और जिस क्योंकि कमीज़ की भी आगे वाली थोड़ी सी गहरी होती है, उसकी कटिंग भी गहरी होती है, और इस तरह से हमें उसको अटैच करना होगा। बाजुओं को हमने सीधी साइड पर कर दिया और ये कमीज़ की उल्टी साइड होगी, और ये जो हमने सिलांटी लाइन जो टेढ़ी सी लाइन बनाई है, इस लाइन को हमने ये वाली जो फिटिंग की सिलाई है उसके साथ रखना होगा। तो हम इस बाजू की सीधी साइड को इस तरह इस कमीज़ के शोल्डर्स के अंदर रखेंगे, और ये जो स्लॉन्टिक लाइन है यहाँ पर आप कट भी लगा लें अपनी निशानी के लिए कि यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। इसको इन दोनों को इस तरह से साथ मिलाकर और यहाँ से सिलाई हम सिलाई करना शुरू कर देंगे। इस तरह से हम राउंडली आधा इंच छोड़कर कपड़ा सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर भी हम डबल सिलाई लगाएंगे फॉर मोर प्रोटेक्शन, ताकि हमारी बार बार खराब ना हो। एक बाजू की सिलाई कंप्लीट हो गई है, शोल्डर्स को हमने अटैच कर लिया होगा, तो आप देखें इस तरह से ये होगा। अब हम दूसरे को अटैच करेंगे। दूसरे को अटैच करने का भी वही सेम मेथड, इसको पहले हम सीधा करेंगे और कमीज़ की उल्टी साइड होगी, और इस शोल्डर के अंदर इस बाजू को डालकर जो स्लैंटेड लाइन है उन दोनों लाइंस को आपस में मिलाना होगा, फिटिंग वाली लाइन और ये बाजू की जो लाइन। इस तरह हम इसको इस कमीज़ के शोल्डर्स के अंदर डालेंगे, और ये जो लाइन की सिलाई है, इस लाइन की सिलाई ने इस ये वाली लाइन की सिलाई के साथ आना होगा, और इस तरह हम इसको राउंडली सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हमने दूसरा बाजू भी अटैच कर लिया है, और अब हम इसको सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से होंगे। ये हमारे बाजू इस तरह से नजर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल। अगर कोई भी आपकी क्यूरी है या कोई रिक्वेस्ट या कोई क्रिटिसिज्म भी है तो कमेंट करना ना भूलिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।